हेलो किड्स, हाय सर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टर्न्स एंड पैटर्न्स। पैटर्न्स आपको पता है क्या होते हैं? पैटर्न्स देखो, ये इसमें बने हुए बुक में ये कुछ ये सारे क्या हैं? पैटर्न्स। और कहाँ पैटर्न्स हैं? ये पैटर्न्स हैं। और ये टेबल पे कुछ पैटर्न्स हैं, हमारे हाथ में कुछ पैटर्न्स हैं, ठीक है। हर एक बच्चे के हाथ में क्या है? कुछ अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बने होते हैं। पैटर्न्स का मतलब हो सकता है कोई लाइन हो सकती है, कोई डॉट हो सकता है, मतलब लेकिन सीक्वेंस क्या होने चाहिए? कुछ सीक्वेंस होने चाहिए उनके। जब जैसे देखो यहाँ पर कुछ सीक्वेंस है ना इनके, तो यहाँ पर कुछ कलर बना रखे, फिर लाइन, फिर कलर, फिर लाइन, फिर कलर, फिर लाइन, ऐसे कुछ सीक्वेंस होने चाहिए। तो उन सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? पैटर्न्स। और टर्न्स मतलब घुमाना। वेरी गुड। लुक एट दिस ब्लॉक, वी मेक थ्री डिफरेंट रूल्स टू टर्न इट क्लॉक वाइज एंड सी द पैटर्न्स। अब देखो एक वर्ड आया यहाँ पे, क्या? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है क्या? घड़ी की डायरेक्शन में घुमाना। अब देखो ये इन्होंने एक एरो बना रखा है यहाँ पे, इस एरो का मतलब है ऐसी घूमती घड़ी, यहाँ ऊपर 12, फिर यहाँ पे कितना आता है? 3, 6, 9, ऐसी घूमती है। तो ये तो हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर हम इसी एरो को उल्टा कर दें, अगर हम इसको ऐसा कर दें तो क्या कौन सी डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो जो पहला वाला जो रूल है वो बोल रहे हैं रिपीट इट विद अ 1/4 टर्न। अब देखो 1/4 का मतलब होता है, अब देखो इसके कितने एजेस हैं इसके? फोर एजेस हैं। फोर एजेस का मतलब होता है कि जैसे ही हम एक एज से दूसरे एज पे पहुंचे तो हमने कितना टर्न कर लिया? वन अपॉन फोर टर्न हमने कर लिया। जैसे ही हम इस एज से इस एज पे पहुंचे कितना टर्न हो गया? 2/4। फिर यहाँ से यहाँ पर गए तो कितना टर्न हो गया? 3/4। और यहाँ पे गए तो 4/4 या 0। 4/4 या कितना? 4/4 कितना होता है? 4 से 4 में डिवाइड कर, 4 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा? 1। इसका मतलब पूरा एक टर्न पूरा हो गया ना, ठीक है। अब देखो एक तो ये तरीका है कि भाई हम 1/4 घुमा रहे हैं। अभी देखो ये जो फ्लावर था इसका एक पंखुड़ी इसकी ऊपर है, ठीक है। अब कहाँ आ गई? नीचे। इधर आ गई, फिर इधर आ गई, फिर इधर आ गई, और फिर लास्ट में वहीं ऊपर चली गई। अब देखो अब है हाफ टर्न। हाफ टर्न का मतलब है कि पहले यहाँ पे था और सीधे अब कहाँ आ गई? नीचे। क्लियर है? ये 2/4 है। हाफ या 2/4 या 1/4। हाफ कितना होता है? 1/2। क्लियर है? अब रिपीट इट विद 3/4। अब 3/4 घुमाना है। 3/4 मतलब सीधा 3 चक्कर काट लेने। क्लियर है? यस सर। अब देखो सबसे पहले अगर हम इसमें जाएं, ये कितने डिग्री का एंगल पे घुमा है? ये वेरी गुड। हाँ कितना? 90। ये 180। ये कितना है? 180 और 90 और घुमाए ये, तो 180 और 90 कितना होता है? 270। वेरी गुड, 270 डिग्री पे घुमाए ये 3/4 में। क्लियर है? अब देखो व्हाट शुड कम नेक्स्ट। अब वो बोल रहे हैं कि इसमें आगे क्या आएगा। देखो पहले ये ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, अभी कैसा होगा? कैसे ये बनाया हमने सर्कल, ये लाइन कैसे हो जाएगी? अब सीधी। वेरी गुड, सीधी। और ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स तो यहाँ पर हो जाएगा और एक नीचे यहाँ पे। अब अभी लाइन कैसे हो जाएगी? ऐसे में। और ये डॉट तो यहीं रहेंगे इनके पास ही। क्लियर है? अब देखो ये बना N। अब क्या, अब कितना घुमा ये? कितने डिग्री पे घुमा? 90। वेरी गुड, 90 पे। फिर ये 90 पे, अब कैसे आएगा? ये ऐसी नीचे ऐसी तो आएगा, जेड बन जाएगा, जेड। और फिर N, फिर N। क्लियर है? 90 डिग्री। ये कितने डिग्री पे घुमा होगा, जो कोई बता सकता है? सर 30। 60। नो, 45। वेरी गुड। कितने पे? ये कितना डिग्री का टर्न था? 90 का। अब देखो ये है, अब ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो ये डॉट्स यहाँ आए, बनने क्या है इसमें? दोनों में ही बनने, पहले ट्रायंगल ही बनाने पड़ेंगे। ट्रायंगल ही बन गए। अब देखो ये डॉट, पहले 3 डॉट यहाँ ऊपर थे, अब ये इधर आ गए, अभी इधर चलेगा, अब कहाँ जाएंगे? फिर ऊपर। और ये छोटा वाला नीचे, इसमें इधर इधर आ जाएंगे। और ये वाला छोटा वाला इधर। क्लियर है? यस सर। अब देखो ये कितने डिग्री पे घुमा होगा? ये 45, 90, 30,
इसमें कितने टोटल कितने टर्न्स हैं? इसमें सिर्फ तीन ही तो इसमें टर्न्स हैं, तो तीन टर्न्स के लिए हम 360 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब सीधे इसमें कितने डिग्री का टर्न आया? सीधे 120 का, 120 डिग्री का टर्न था सीधे इसमें। क्लियर है? अब देखो, अब क्या होगा, इसमें क्या बनाना पड़ेगा? पहले गोला, सर्कल, इसमें भी सर्कल बन गया, सर्कल। अब यहाँ पे आएगा, इधर इधर आएगा, अब नीचे जाएगा, ठीक है। इसमें कलर भर सकते हो अपने आप। क्लियर है? इसमें कलर का भी ध्यान रखना है, जैसे इधर देखो पिंक इधर था, फिर पिंक इधर आया, फिर अब पिंक किधर आएगा? इस साइड में पिंक आएगा, ठीक है, और फिर इस साइड में पिंक आएगा। क्लियर है? यस सर।